बेगूसराय के छोराई प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय सीमा के निकट ग्रीन इंडिया टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटर सुशील कुमार के कैंपस में लाइन मैन रामेश्वर यादव, फ्रेंचाइजी मोहम्मद जसीम उर्फ चुनचुन एवं प्राइवेट मिस्त्री मोहम्मद सूफियान पहुंचकर दिल सूली की बातें करने लगे। आक्रोशित प्रोप्राइटर ने बिजली बिल में गड़बड़ी करने की शिकायत करते हुए बोले क्या कि आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, कहा सुनी होने लगा। इतने में ही फिर क्या कहना था, ग्रामीणों का हुजूम जुट गया, तरह तरह की बातें होने लगी। तब तक तकरीबन 25 की संख्या में जिन उपभोक्ताओं का बिल गलत आया था वह भी टपक पड़े और बंधक बना लिया। इसकी सूचना जेल खुदामनपुर को दिया गया। उपभोक्ता SDO मंजूल विद्युत विभाग JE को स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर हल करने का सवाल रखा, किंतु कोई नहीं आए। प्रोप्राइटर सुशील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग में धांधली के अलावा कुछ नहीं है। नल जल के ठेकेदारों द्वारा टोका फंसाकर बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है, उस पर विद्युत विभाग का ध्यान नहीं जाता। वहीं शिकायत की गई, हमने डिवीजन में लिखित जानकारी दी है, यदि सही नहीं किया गया तो इसकी गलती विद्युत विभाग की दी जाएगी। BT न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय के छोराई से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। तक आप में आइएगा, कोई भी असुविधा नहीं करेंगे, कोई भी असुविधा नहीं करेंगे, आप में आइएगा, समस्या समाधान कीजिए, पैसा सुनिए। अभी इनको छोड़बे नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? अब कर्मचारी है ना बिजली विभाग का, हम इनको मारपीट नहीं है, गए हैं, बुलाए अपने ऊपर के पदाधिकारी को कि हमको बहुत बहुत आप लोग का चल रहा है, बहुत समस्या है, बहुत सॉल्व फील्ड में आवाज मशीन किधर में रखने थे, किधर किधर क्या क्या अपने मीटर दे रहे थे, चल रहे थे 3,000 घर में 15 नल वाला दिन रहा है तो बिजली खपत करे छ, पर 1 रुपया बिल नहीं बाईपास करके जलबे छ, सब पैसा लेके मिली भगत किए हुए है। आप जाते हैं जो चोरी करता है उसके यहाँ, बड़ा बड़ा ठेकेदार चोरी करता है, गरीब आदमी को टॉर्चर करते हैं। वार्ड नंबर 4 से बोल रहा है, धोखा फंसा के बिजली कनेक्शन चला रहा है, आप टीम भेजिए। बोले हाँ हम कार्रवाई करते हैं, और नहीं आए इसका मतलब हम लोग पैसा लिए होंगे सबसे। अरे पर्सनली हम यहाँ पर केवल डिप्रेशन में आए हैं, हम आपको 3 महीना के लिए पूछे, मार्च के बाद मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा भाई, आप नहीं लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, कहते डिप्रेशन छट पाए हैं। ये है कि ग्रीन इंडिया टेक्नोलॉजी नाम से मेरा फर्म है, जिसमें MSME के तहत जो है ब्रिक्स ग्रीन ब्रिक्स वर्क का निर्माण करते हैं। मेरे कंपनी के नाम से एक विद्युत कनेक्शन है 3 फेज का, जिसमें लॉकडाउन के दरमियान पिछले साल मई जून जुलाई में जबकि मेरा फैक्ट्री बंद था उस टाइम गलत बिलिंग किया गया और 72,000 का बिल मेरे नाम पे आया। उसके बाद मैंने कई बार आवेदन दिया जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मैंने ऑनलाइन आवेदन भी दिया, उन्होंने भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे लिखा कि आपका जो कंप्लेन था वो सॉल्व हो गया है, लेकिन जब मैंने कॉल सेंटर पे फ़ोन किया तो उन लोगों ने बोला कि अभी प्रोसेस में है। मैंने बोला कि आप फिर से मेरा कंप्लेन रीओपन कीजिए, लेकिन कॉल सेंटर वाले लोगों ने भी मेरा केस रीओपन नहीं किया। और कुछ दिन पहले मेरे फर्म के आगे ये लोग उसी गलत बिलिंग का नोटिस मेरे नाम से चिपका के दिए किए गए कि मेरा आप ये पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और विद्युत संबंध आपका विच्छेद कर देंगे। इसी दरमियान आज लाइनमैन 2-3 लोगों के साथ आए और कनेक्शन काटने के लिए और मुझ पर जबरन दबाव बनाने लगे कि आज हम आपसे पैसा वसूल करके जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा जो है सो ये रॉन्ग बिलिंग का केस है और मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने उनको अपने एप्लीकेशन नंबर भी दिखाया। उन्होंने कहा नहीं वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आज आपका विद्युत कनेक्शन काटने के लिए आए हैं और हम काटेंगे ही। तो इसी दरमियान जो है सो गांव के बहुत सारे लोग जुट गए जिनका गलत बिलिंग था और सब लोगों ने घेर करके उनसे ये बात करने की कोशिश की कि आप लोग मेरा बिल सुधार दीजिए, लेकिन वो लोग बोले कि हम तो लाइनमैन हैं, हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इसके बाद उन्होंने बड़े पदाधिकारियों से भी बात की, लेकिन उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। बाद में गाँव समाज के लोगों ने कहा कि ये छोटे स्तर के लोग हैं और सबके राय विचार से उनको ससुरक्षित जो है तो छोड़ दिया गया। आपका नाम? सुशील कुमार, सीमा वार्ड नंबर 4। लाइनमैन कौन था? लाइनमैन एक रामेश्वर करके नाम था, एक और लड़का था, सबका तो नाम नहीं जानते, एक रामेश्वर जी थे उनको हम पहचानते, और ये एक यहाँ के लोकल फ्रेंचाइजी जसीम जी थे, नसीम जी या जसीम जी पहचानते।